बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सारे खुश होंगे, अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे। आज हम बनाने लगे हैं अंडे और आलू के कबाब। आज हम बनाने लगे हैं आलू और अंडे के कबाब, जिसके लिए हमने 500 ग्राम आलू बॉईल कर लिए हैं। अब हम इन्हें मैश करेंगे। इनको आपने मैशर के साथ मैश कर लेना है। ये हमने अब दो अंडे जो हैं वो उबाइल कर लिए, इनका छिलका उतार दिया है। इनको कद्दूकस कर लेंगे। इनको आपने ऐसे बहुत इजी और आराम से कद्दूकस कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप हुआ प्याज, फिर ऐड करेंगे सब्ज धनिया, चार से पांच सब्ज मिर्चें बारीक चॉप हुई, एक टीस्पून हम कुटी हुई सुर्ख मिर्च ऐड कर देंगे। हसबे ज़रूरत ऐड कर देंगे इसमें वाइट नमक, एक टीस्पून के लगभग ऐड कर देंगे इसमें कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया, आधा टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई काली मिर्च, एक टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें गरम मसाला, आधा टीस्पून ऐड कर देंगे हल्दी, आधा टीस्पून ऐड कर देंगे सुर्ख मिर्च। आराम से इसे आप मिक्स कर लें। आप ऐसे बहुत इजी और आराम से इसके कबाब बना लें। ये आपकी मर्जी, आप इससे छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। एक और आपको बना के दिखा देते हैं। ऐसे आपने बहुत इजी इसका कबाब बना लेना है। ये देखें, बहुत इजी इसका कबाब बन गया। ऐसे ही आपने सारे कबाब बना लेने हैं। आपने बिल्कुल ऐसे ही आलू के कबाब जो है वो तैयार कर लेने हैं। ये हमने आधा कप के लगभग मैदा और उसमें तीन से चार चमचे जो खाने के हैं वो कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। अब हम इसमें जायके के लिए ऐड करेंगे आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, और आधा टीस्पून के लगभग इसमें ऐड कर देंगे जायके के लिए नमक, आधा टीस्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई सुर्ख मिर्च। इससे ये हो जाएगा कि कॉर्नफ्लोर और मैदे का जायका अच्छा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम जो है वो कबाब की कोटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये बाज़ार से भी बहुत इजी मिल जाते हैं। अगर आप बाज़ार से नहीं लेना चाहते तो आप ब्रेड के पीस जो हैं वो चॉपर में डाल के इसे क्रम्स बना लें ब्रेड का। अब जो है हम कबाब की कोटिंग कर लेंगे। पहले आपने कबाब लेना है और इसे मैदे और कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह डिप कर देना है। फिर आपने क्रम्स जो है वो ऊपर लगा देना है इसके। ऐसे ही आपने सारे कबाबों के ऊपर जो है क्रम्स लगा देने।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने ख्वाबों के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दी हैं। अब हम एक पैन रखेंगे और उसमें इनको फ्राई करेंगे। पैन में हम अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे ख्वाब। आपने बिल्कुल लो फ्लेम मीडियम फ्लेम पे ख्वाबों को पकाना है, क्योंकि आलू और अंडे पहले ही पके हुए हैं। हमने बस जो क्रम्स को है उसे हल्का हल्का ब्राउन करना है। ख्वाब को आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे जो है आपने पका, एक साइड आपकी जो ब्राउन हो जाएगी तो आपने दूसरी साइड पे इसे घुमा देना है, इसकी साइड चेंज कर देनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाबों का कलर कितना प्यारा गोल्डन गोल्डन आया है। ख्वाब जो है वो तैयार हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अंडे और आलू के ख्वाब बिल्कुल तैयार हैं। देखें कितने प्यारे और क्रिस्पी बने हैं। ऐसी और मजीद रेसिपी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा।